हाय फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि 12th का नया सिलेबस आ चुका है महाराष्ट्र बोर्ड का। इस सिलेबस की कुछ विशेषता है जो मैं भी आपको बताऊंगा, मेनली कॉमर्स से जो कंसर्न है। पर उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है दोस्तों कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लाया हूँ, आपके लिए कुछ टास्क लाया हूँ। अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ने सारे बुक जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल कर दिए है, मीन्स पीडीएफ फॉर्म में सारे बुक अवेलेबल है। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि सबसे पहले वो बुक, मैं इसमें भी लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वो बुक के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और ये जो छुट्टियों का समय है, इसका उपयोग आप आपके लैंग्वेज को परफेक्ट करने में कर सकते हो, यानी मराठी, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, जो भी आपका सेकंड लैंग्वेज है उसका पूरा किताब पढ़ लीजिए आप। उसके साथ साथ इंग्लिश भी आप पढ़ के रख सकते हो, तो ये लॉकडाउन के समय का सबसे अच्छा उपयोग रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका 11th में अकाउंट्स का बैकग्राउंड बहुत वीक था, और अगर आपका अकाउंट्स का बैकग्राउंड वीक होता है 11th में, तो 12th में उससे कनेक्टेड तीन टॉपिक है, जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट। और वो अगर आपको 11th में नहीं आते हैं तो 12th में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाने वाली है। तो मैं आपको ये विनती कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, जिसमें 11th के सारे टॉपिक दिए हैं रिवीजन के लिए, लेकिन एटलीस्ट ये तीन टॉपिक एकदम अच्छे कीजिए, पहला जर्नल, दूसरा लेजर और तीसरा फाइनल अकाउंट। और उसके बाद दूसरा काम, मैं दूसरी एकदम बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। इस साल हमको पता नहीं कि ये लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा, शायद और 1-2 महीना भी आगे बढ़ जाए, और आपके कॉलेज स्टार्ट होते होते शायद जुलाई अगस्त आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपका 12th का ईयर, आपके 12th के परसेंटेज खराब ना हो, और वापस अगर ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई तो उसमें आपको कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन लेक्चर्स। 12th के सारे सब्जेक्ट, 5 के 5 सब्जेक्ट, लैंग्वेज छोड़ के इकोनॉमिक्स, OCM, SP, अकाउंट्स और मैथ्स, इसके सारे के वीडियो लेक्चर्स 1 मई से अवेलेबल होने वाले हैं। आपको जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके नोट्स भी मिल जाएंगे फिजिकल फॉर्म में, उसके पहले ऑनलाइन मिल जाएंगे। और ये लेक्चर आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख पाओगे, और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ आपका रियल लाइफ क्लास एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा अच्छा ये सारे वीडियो होने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जस्ट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। और आपको ये 5वां सब्जेक्ट का अगर ऑनलाइन क्लास लगाना है तो इसकी फीस 20,000 रुपया है। अगर आप 1 मई से पहले अगर एडमिशन लेते हो तो वो फीस 16,000 रुपये रहेगी। आपको अकाउंट डिटेल सब इसमें जो नंबर है उसमें पूछोगे तो मिल जाएंगे। तो आपको पूरा ऑनलाइन सिलेबस, नया टोटल बोर्ड के सारे टॉपिक के साथ हम देने जा रहे हैं। इस साल के सिलेबस की स्पेशलिटी ये है कि इसकी थोड़ी लेवल CBSE की कर दी गई है, तो प्रॉब्लम टॉपिक के नाम भले ही सेम है लेकिन उसके कंटेंट काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो एक नए सिलेबस के लिए अगर आपको तैयार होना है, और किसी भी ये कोरोना वायरस हो या और कोई वायरस आने वाला हो उससे अगर आपको दिक्कत नहीं चाहिए, आपके कॉलेज नहीं हो रहे हैं, वहाँ के लोकल क्लास नहीं हो रहे हैं, आप घर बैठे घर के क्लास के वैसा इंडिविजुअल टीच आपका हो सकता है, तो उसके लिए प्लीज़ आपके जो भी चीज़ें आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और सारे टॉपिक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू।